देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। मेरे बच्चों ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करना है। तो इसमें कहा गया है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये मैथ्स की एक एक्टिविटी है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। आगे देखते हैं वो कैसे बनेगा। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, आपको एक कागज की बड़ी शीट लेनी है, उसके बाद और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। तो हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल या फिर वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। एक बड़ी शीट आप ले लेंगे, उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, एक बिंदु ओ लेंगे, एक एक लंबाई का एक रेखाखंड ओपी वन खींचिए। अब एक यूनिट लेनी है आपके, आपको लंबाई एक यूनिट लेनी कि आप एक सेंटीमीटर ले लेंगे, तो एक सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे ओपी वन। अब क्या करना है, एक एक लंबाई वाले ओपी वन पर एक लंब रेखाखंड पी वन पी टू खींच बनाएंगे। तो ओपी वन पे पी वन पी टू एक लंब रेखाखंड खींचेंगे। देखिए आकृति 1.9 जो आपके पास आकृति में जो 1.4 एक्स जो 1.2 एक्सरसाइज है जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें इसके साथ एक आकृति दी हुई है, उसके बारे में लिख रहे हैं। अब ओपी टू पर लंब रेखाखंड पी टू पी थ्री खींचिए, तब ओपी थ्री पर लंब रेखाखंड पी थ्री पी फोर खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए ओपी एन माइनस वन पर एक एक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड पी एन माइनस वन पी एन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु ओ पी वन पी टू पी थ्री पी एन प्राप्त कर लेंगे और इन्हें मिलाकर वर्गमूल दो वर्गमूल तीन वर्गमूल चार को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्किल प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपको एक एक्टिविटी के बारे में कहा गया है। इस तरह से आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में ना आई हो, तो हम एक रफ जो इसका चित्र है वो बनाते हैं। इसका एक रफ चित्र हम देखते हैं कि उससे किस तरह की आकृति हमें मिलेगी। यहां पे उसने कहा है कि कोई बिंदु O है और OP1 एक एक लंबाई, एक यूनिट लंबाई लेनी है हमें। तो हम क्या करते हैं कि एक सेंटीमीटर ले लेंगे यहां, ये तो ये एक सेंटीमीटर से ज्यादा है ताकि तो थोड़ा चित्र आपको ठीक ढंग से नजर आए, तो इस वजह से हमने एक सेंटीमीटर से ज्यादा ले लिया। तो मतलब जो भी है ये सेम रखनी है, आप जितनी भी लोगे तो ये सेम रखनी है, तो इतनी रखनी है। अब देखो ओ पी वन ले लिया हमने, अब यहां पी वन पे हमें लंब खींचना है, तो आप क्या करेंगे इस तरह से चांदे की सहायता से या डी की सहायता से यहां पे इस तरह से रख लेंगे, और यहां पे इस पे जब आप रखेंगे तो मान लो ये 90 डिग्री का है, तो हम इस तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे, ये इस पे हमने लंब लगा दिया, लंब खींच दिया। अब देखो हमें कितने एक 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 सेंटीमीटर का ले रहे हैं हमें, ये हमारा एक सेंटीमीटर, तो यहां पे हमने इसके बराबर एक सेंटीमीटर काट दिया यहां पे। अब बाकी का हम यहां पे हटा देते हैं, अब इसको इसके साथ मिला दें, ये हमारे पास P1 है तो ये हमारे पास कितना आ गया P2। अब क्या करोगे, अब OP2 पे लंब खींचेंगे, अब OP2 पे इस तरह से रख लेंगे हम इसको D को, और इस पे फिर हमने लंब खींचा,
इसको हमने क्या किया, एक यूनिट काट दिया, जितना ये है जी है जितना ये है काट दिया। अब इसको इसके साथ मिला दिया, ये P3 बन गया, बाकी को हटा देंगे इरेज कर देंगे। अब OP3 पे लंब खींचेंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, एक यूनिट काट दिया, अब इसको इससे मिला दिया, ये P4 मिल गया हमें, इसको हमने इरेज कर दिया। अब OP4 पे हमने लंब खींचा, वो कुछ इस तरह से, फिर वन यूनिट काट दिया हमने, यहां P5 आ गया, इसको बाकी को हटा दिया, OP5 इससे मिला दिया, फिर इस पर लंब खींचा, तो इस पर फिर हमने लंब खींचा, एक यूनिट काट दिया, P6 आ गया, इससे इसको मिला दिया। तो इस तरह से हम चलते रहेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से चलता रहेगा काम। तो आप जब इसको करोगे तो ये एक एक बिल्कुल सुंदर आकृति बन जाएगी। और आमतौर पे अब देखो यहां पे ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, देखो एक यूनिट है, ये एक सेंटीमीटर नहीं है। आप चाहो तो एक सेंटीमीटर का ले सकते हो, आप चाहो तो एक सेंटीमीटर ले सकते हो, ये भी फिर एक सेंटीमीटर, ये सारे एक से एक से एक एक सेंटीमीटर चलेंगे। मान लो आप दो सेंटीमीटर का लेते हो तो फिर ये सारे दो दो सेंटीमीटर के लेने हैं आपको, OP1, P1, P2, P2, P3, P3, P4 सारे दो दो सेंटीमीटर के। मान लो आप तीन सेंटीमीटर लेते हो तो आपको तीन सेंटीमीटर के लेने हैं सारे, इस तरह से ध्यान रखेंगे। यूनिट है ये, तो एक यूनिट है। अब देखो हमारा जो हमारी जो करेंसी है रुपया, अब अगर हम नेपाल में जाते हैं तो हमारे हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, और अगर हम अमेरिका में चले जाते हैं तो कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है ना कि यूनिट आपका क्या है और किस सिस्टम में आप काम कर रहे हो। तो इस तरह से मान लो हमारा हमने वन सेंटीमीटर लिया है, तो वन सेंटीमीटर जब हम ले रहे हैं तो ये सारे वन वन सेंटीमीटर है, तो इससे हमें यहां पे वर्गमूल दो मिला, यहां पे हमें वर्गमूल दो मिला। अगर हमने हमने इसको थ्री सेंटीमीटर ले लिया तो ये भी इसका थ्री टाइम हो जाएगा, ये भी हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, थ्री टाइम हो जाएगा, थ्री टाइम्स चलेगा। अगर हमने ये फोर ले लिया तो ये भी इसका फोर टाइम रहेगा, यानी कि हमारा बेस, अगर हमारा यूनिट फोर को हम एक यूनिट मान रहे हैं तो ये भी तो उस हिसाब से बढ़ेगा फिर। तो आप आपकी मर्जी है कि आप इसको वन सेंटीमीटर लेते हो या फिर टू सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पे हमने लंब बनाया था, तो लंब के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब देखो कर्ण क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब देखो इनमें से एक आधार है और एक लंब है, तो दोनों ही एक है, एक का वर्ग और एक का वर्ग, तो ये एक जमा एक कितना आ गया, दो आ गया। तो कर्ण का वर्ग दो आ गया, तो कर्ण कितना आ जाएगा, वर्गमूल दो आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल दो आ गया। अब देखो ये तो एक है, ये भी तो एक है, अब लंब यहां पे है तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहां से कर्ण कितना आएगा, कर्ण का वर्ग। अब ये निकालना है हमें, अब की बार ये दो भुजाएं हैं हमारे पास, एक तो वर्गमूल दो है इसका वर्ग है और एक का वर्ग है, तो ये वर्गमूल वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा दो और ये एक, तो तीन आ जाएगा। तो कर्ण हो जाए, कर्ण का वर्ग होगा तीन, तो कर्ण हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल तीन, तो ये वर्गमूल तीन आ गया। इसी तरह से ये वर्गमूल चार आ गया, इसी तरह से ये वर्गमूल पांच आ गया, इसी तरह से ये वर्गमूल छह आ गया। तो इस तरह से ये चलते रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप यूनिट कितना, ज्यादा बड़ा यूनिट बदले ना, क्योंकि वो बिल्कुल पेज से बाहर निकल जाएगा। शीट आप थोड़ी बड़ी लेंगे और यूनिट आप थोड़ा छोटा रखेंगे तो बढ़िया रहेगा कि एक सेंटीमीटर का यूनिट रखें। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। देखो मैंने मैंने इसको कंप्लीट किया है, यहां पे मैंने इसको बनाया है, मैंने मैंने क्या यूनिट थोड़ा बड़ा लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मैंने वन यूनिट की बजाय, वन सेंटीमीटर की बजाय थ्री सेंटीमीटर लिया है, वन सेंटीमीटर की बजाय मैंने थ्री सेंटीमीटर लिया है, तो हमारे पास ये इस तरह की एक सुंदर आकृति हमें प्राप्त हो गई है। अब देखो यह यहां पे आमतौर पे ये 17 तक चलता है,
अब 17 के बाद, 17 के बाद जब मैंने 18 बनाने की कोशिश की तो ये यहां से क्रॉस होने लग गया, ओवरलैप होने लग गया, तो 17 तक का हमें बिना ओवरलैपिंग के ये जो स्केयर रूट स्पिरल है, जो वर्गमूल सर्पिल है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहां पे फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने जो यूनिट ली है वो 3 सेंटीमीटर की ली है, यानी कि ये जो ली है OP1 ये 3 सेंटीमीटर लिया, तो हमारा P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5 ये सारे के सारे क्या है, ये 3 सेंटीमीटर लिए मैंने। तो आप ध्यान रखेंगे, आप चाहे 1 सेंटीमीटर लें, चाहे 2 सेंटीमीटर लें, चाहे 3 सेंटीमीटर। देखो अगर मैंने 3 सेंटीमीटर लिया तो जो मेरा वर्गमूल 2 है ना, ये वर्गमूल 2 भी 3 टाइम्स है, क्योंकि हमने जब हमारा जो 1 है 3 के बराबर है, तो हमारा वर्गमूल 2 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, तो वर्गमूल 2 भी हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप सिंपल सा आप 1 सेंटीमीटर का ले लें। OP1 कितने ले लें, 1 सेंटीमीटर। P1 P2 में कितने लें, 1 सेंटीमीटर का लेके चल सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि मैंने 3 सेंटीमीटर क्यों ली है, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसका चित्र समझ में आ जाए, आसानी से दिख सके, इस वजह से मैंने इसको 3 सेंटीमीटर। या फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले एक थोड़ा बड़ा बना लें, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का लेके, लेकिन शीट लेकिन आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी शीट बड़ी नहीं है तो ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप इधर से स्टार्ट करोगे उधर से बाहर निकल जाएगा, उधर से स्टार्ट करोगे इधर से बाहर निकल जाएगा। तो शीट थोड़ी बड़ी ले और बिल्कुल बीच में इसको बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का लेके बना ले, और फिर फाइनल जब बनाए तो 1 सेंटीमीटर के लिए बना ले। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लेंगे तो ये जो एक्चुअल में ये जो रूट 2 आया है, ये रूट 2 नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर का लिया है तो 2 से वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी उसका डबल हो जाएगा। और अगर आपने 3 सेंटीमीटर लिया है तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटर तो यही है कि अब हम रूट 2 निकालना चाहते थे, रूट 2 कितनी होगी लेंथ उसकी, तो रूट 2 की लेंथ तो हमें यहां से पता चलेगी, तो ये तो तब होगी ना रूट 2 की लेंथ जब ये हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो हमारा तो बेस 1 है, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर लेके तो ये हमारा रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसको देखते हैं कि ये कैसे बना है इस पे शीट पे। तो प्यारे बच्चों, हमने ये एक वर्गमूल सर्पिल बनाया है, इसमें आपको 15-20 मिनट से आधा घंटा भी लग सकता है, तो थोड़ा तसल्ली से कंसंट्रेशन के साथ इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कि हमने स्टार्ट करते हुए ये 17 तक चला गया, 17 से जब हम 18वां लेंगे तो ये क्रॉस कर जाएगा, यहाँ से आएगा, तो इस वजह से 17 तक आमतौर पर 17 तक रहता है। आपका अगर 14-15 तक भी बन जाए तो भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इसमें सबसे पहले OP1 एक यूनिट आई है हमारा, एक यूनिट मैंने इसको 3 सेंटीमीटर लिया है, 3 सेंटीमीटर मैंने इस वजह से लिया है ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो, और आपको पहली बार में जब आप इसको बनाओ तो ये थोड़ा अच्छा सा सुंदर बन सके आपसे। इसके बाद आप इसको एक बार आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के लिए बना लें, 3 सेंटीमीटर के लिए बना लें बेशक आप इसको, तो 3 सेंटीमीटर के लिए जब आप इसको बनाएं तो एक सुंदर आकृति बन जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको 1 सेंटीमीटर के लिए बनाएं तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी OP2, ये वर्गमूल 2 का मान ही होगा, इसकी जितनी लेंथ होगी। इसी तरह से OP3 एग्जैक्ट मान होगा, इस टाइम ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हमारा यूनिट एक यूनिट हमारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये भी हमारा 3 टाइम हो जाएगा, ये भी हमारा 3 टाइम हो जाएगा, तो यहां से एग्जैक्ट मान नहीं होगा उसका, 3 टाइम होगा वो। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि एक बार 3 सेंटीमीटर के लिए बना के थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के लिए बनाए, उसके बाद जो OP2 बनेगा वो वर्गमूल 2 का मान ही होगा, OP2 की जितनी लेंथ होगी वो वर्गमूल 2 का मान होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास वर्गमूल सर्पिल। अब देखिए, सबसे पहले हमने OP1 कितना लिया, 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया हमने यहाँ पे। अब इसको P1 पे हमें लंब बनाना है, तो P1 पे लंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस D की सहायता से इसको इस तरह से रख देंगे, यहां हमने इसको इस तरह से रख दिया। अब यहां जो हमारा
जो 90 डिग्री है वो यहां पे आएगा, तो यहां पे जब आएगा तो OP1 को हम क्या करेंगे, OP1 को इस तरह से मिला देंगे ऊपर तक, यहां तक ये आगे तक मिल जाएगा, यहां ये आगे तक मिल जाएगा। अब OP1 जितना है, हमने 3 सेंटीमीटर लिया है तो हमने यहां पे 3 सेंटीमीटर काट दिया, तो 3 सेंटीमीटर काट दिया तो हमें P2 मिल गया, तो OP2 आ जाएगा हमारे पास। इसको O को P2 से हम मिला देंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल 2 मिल जाएगा। अब जो जितनी एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर देंगे। ठीक इसी तरह से अब OP2 पे D की सहायता से 90 का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसको 3 सेंटीमीटर काटेंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा उसको इरेज कर देंगे, ये हमारे पास P3 पॉइंट आ जाएगा। O को P3 से मिला देंगे तो ये मान किसका आ जाएगा, हमारे पास वर्गमूल 3 का मान आ जाएगा। फिर अब हम OP3 पे फिर इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये काम, तो हम ये इस पे रख देंगे OP3, तो 90 डिग्री यहां पे आ जाएगा हमारे पास, यहां एक डॉट लगा लेंगे, एक डॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको मिला देंगे P3 को उससे, और जो हमारा एक यूनिट है जिसके बराबर हमने लिया, हमने यहाँ पे तीन सेंटीमीटर को एक यूनिट के बराबर लिया है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे काट देंगे तो P4 मिल जाएगा हमें, वो P4 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम इसको चलते रहेंगे तो लास्ट में जब हम यहाँ पे जाएंगे तो 17 तक आ जाए। देखो ये हमारा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो जब मैंने अगला लिया तो अगला लेके जब मैं इसको मिलाता हूं, तो यहां से जब मैं इसको 3 सेंटीमीटर लेता हूं और उसको मिलाता हूं तो ये हमारा क्रॉस कर जाता है इसको, इसको देखो ये इसमें ओ ये क्रॉस कर गया, देखो यहां पे इस जगह पे ये क्रॉस कर जाता है, तो इस वजह से 17 तक का ये वर्गमूल 17 तक का वर्गमूल सर्पिल बन जाता है। बनेगा तो देखो आगे भी ओवरलैप होता चलेगा, आप चाहो इसको जहां मर्जी तक बना दो जितना मर्जी, लेकिन यहां तक आमतौर पे वर्गमूल 17 तक का इसको बना लिया जाता है, तो एक ये सुंदर आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। अगर आप इसको इससे मिलाएंगे, हमने यहां से 3 सेंटीमीटर ले लिया, ये इसको इससे मिलाएंगे तो ये वर्गमूल 18 हो जाएगा, फिर आगे लेके जाएंगे तो वर्गमूल 19 हो जाएगा, चलता रहेगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये और बड़ा होता चलेगा, ये मतलब इस तरह से चलता रहेगा, ये इस तरह से चलता रहेगा, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आमतौर पे हम वर्गमूल 17 तक का, अगर आपका बिना उसको काटे OP1 को काटे वर्गमूल 14 या वर्गमूल 15 तक का भी बन जाता है तो भी वो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा आप उसको क्लियरली बनाएं और वो वर्गमूल 17 तक का बन जाए। एक बात और इसमें जो आप ध्यान रखेंगे कि शीट आपकी बड़ी हो, देखो मैंने एक A4 पेज लिया था, जो प्रिंटिंग के लिए पेज यूज किया जाता है वो लिया था, लेकिन वो उससे भी बाहर चला गया तो मुझे एक शीट और उसमें पेस्ट करनी पड़ी, तब जाके मेरा ये सर्पिल कंप्लीट हुआ। तो थोड़ी बड़ी शीट या चार्ट पे आप इसको करेंगे, पहले 3 सेंटीमीटर के लिए कर ले, 3 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे माना है, फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 1 सेंटीमीटर के लिए कर लेंगे। जब आप 1 सेंटीमीटर के लिए करेंगे तो ये जो तो वर्गमूल 2 आया है, ये OP2 है, जो ये वर्गमूल 2 का की लेंथ है, तो एग्जैक्ट ये वर्गमूल 2 के बराबर होगी, यहां पे नहीं है क्योंकि यहां पे हमने हमारा जो यूनिट है वो 3 है, ये भी वर्गमूल 2 का 3 टाइम हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा वर्गमूल सर्पिल, ये एक बेहद इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी है, आप इसको जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।